आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला विराजमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसे लेकर स्थानीय राम भक्तों में अभी से अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है और रामलला के आगमन को लेकर अभी से ही जमकर तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में 22 जनवरी को शहर सहित पूरा जिला राममय हो जाएगा और 22 जनवरी को लगभग सभी चौक चौराहों पर लड्डू वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। साथ ही सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर चलेगा और शाम के वक्त मंदिरों में असंख्य दीप जलाकर जगमगाहट की जाएगी। इसके साथ ही सभी रिहायशी इलाकों में कई धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और शहर के दशहरा मैदान पर गंगा आरती का भव्य दिव्य आयोजन होगा। वहीं शहर में विभिन्न स्थानों पर राम कथाओं का भी आयोजन किया जाएगा। ऐसे में सभी आयोजनों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आगामी 22 जनवरी को अमरावती शहर से में राम दीपावली मनाने की जमकर तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को अमरावती शहर में होने जा रहे धार्मिक आयोजनों के तहत जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा द्वारा भानखेड़ा रोड स्थित हनुमान गढ़ी पर 11 लाख लड्डुओं से बने एक विशालकाय लड्डू का पूजन किया जाएगा, जिसका दोपहर 12 बजे के बाद राम भक्तों में वितरण होगा। इसी तरह पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता मित्र मंडल द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर 5000 किलो लड्डू वितरित किए जाएंगे और भूषण पटने द्वारा रविनगर व छांगानी नगर परिसर में 5000 लड्डू वितरित होंगे। साथ ही शहर के कई सेवाभावी व सामाजिक संगठनों द्वारा शहर में अलग अलग स्थानों पर महाप्रसाद व मिष्ठान वितरण के उपक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। इसके अलावा 22 जनवरी की शाम 6:30 बजे तुषार भारती मित्र मंडल द्वारा दशहरा मैदान पर गंगा आरती का भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए वाराणसी के गंगा घाट पर गंगा आरती करने वाले मुख्य पुजारी रघुवीर पांडे व उनके सहकारी पवित्र कलश में गंगा नदी का जल लेकर आएंगे और जिस तरह गंगा घाट पर गंगा आरती होती है उसी तरह की आरती दशहरा मैदान पर भी होगी। वहीं सकल हिंदू समाज की ओर से राजकमल चौक पर कुमकुम अर्पण व संकलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत 500 किलो कुमकुम संकलित करने का संकल्प लिया गया है। राम भक्त द्वारा दिए जाने वाले इस कुमकुम को मंगल कलश में भरकर राम मंदिर लोकार्पण व प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने हेतु आमंत्रित जगतगुरु मौली सरकार के साथ अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं अमरावती शहर सहित विदर्भ क्षेत्र की कुलस्वामिनी कही जाती अंबा देवी व एकवीरा देवी के मंदिरों में भी 22 जनवरी को भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा और शहर के सभी मंदिरों में भी पारंपरिक दिए प्रज्वलित करते हुए शहर में एक दिया श्री राम के नाम का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी शहरवासियों को 22 जनवरी की शाम अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने का आह्वान किया गया है। शहर के वरिष्ठ विधिज्ञ प्रशांत देशपांडे द्वारा इस समय तक विविध मंदिरों में जाकर राम रक्षा स्त्रोत की पुस्तिकाओं का वितरण किया जा रहा है और वे अब तक 3000 पुस्तिकाएं वितरित कर चुके हैं। साथ ही प्रशांत देशपांडे द्वारा 22 जनवरी को अंबापेट में भव्य दीपोत्सव मनाने का आयोजन भी किया गया है। वहीं गड़गड़ेश्वर महादेव मंदिर में 22 जनवरी को शाम 7 से 10 बजे तक रामकथा रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। साथ ही साथ शहर में कई जगहों पर अभी से ही रामकथाओं का आयोजन होना शुरू हो गया है। इन सबके साथ ही भाजपा के शहर महासचिव प्रशांत शेगोकर द्वारा अर्जुन नगर में तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी बादल कुलकर्णी द्वारा तपोवन परिसर में LED स्क्रीन लगाकर 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण आम नागरिकों को दिखाया जाएगा। इसके अलावा भी शहर में कई स्थानों पर कई सेवाभावी लोगों व सामाजिक संगठनों द्वारा 22 जनवरी को LED स्क्रीन लगाकर राम मंदिर के लोकार्पण व प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की जा रही है। 22 जनवरी को लेकर राम भक्तों में अभी से इतना अधिक उत्साह है कि उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करने हेतु अभी से जमकर पटाखे खरीद रखे हैं और इन सभी पटाखों को 22 जनवरी की शाम चलाया जाएगा। ऐसे में 22 जनवरी की शाम हर ओर जबरदस्त आतिशबाजी होती दिखाई देगी और दीपावली जैसा नजारा बनता दिखाई देगा। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को महाराष्ट्र के सभी जिलाधीशों व विभागीय आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस लेकर उनके कार्यक्षेत्र अंतर्गत स्थित मंदिरों को साफ सुथरा करवाने के निर्देश जारी किए, जिसका अनुपालन करते हुए अमरावती के जिलाधीश सौरभ कटियार ने जिले की सभी नगर पालिकाओं और अमरावती की महानगर पालिका को अपने अपने क्षेत्र में मंदिरों के आसपास साफ सफाई तुरंत करने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में आज दोपहर मंडल न्यूज से विशेष तौर पर बातचीत करते हुए जिलाधीश कटियार ने बताया कि मंदिर एवं मंदिर परिसरों की साफ सफाई का काम आज से ही शुरू हो गया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने आज खुद स्वच्छ तीर्थ मुहिम के तहत अपने हाथ में झाड़ू व पोछा लेकर बिना किसी संकोच के अंबा माता मंदिर में साफ सफाई की। इसके तहत उन्होंने पहले झाड़ू लगाया फिर पोछा घुमाकर मंदिर को चकाचक करने का काम भी किया। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देश सहित राज्य के सभी मंदिरों देवालयों संस्थानों व परिसरों को साफ सुथरा करने का आह्वान किया है। 22 तारखेला राम जन्मभूमीच्या अयोध्येच्या या ठिकाणी श्री रामचंद्र प्रभूंची प्राणप्रतिष्ठा असल्यामुळे आज आमचे नरेंद्रभाई मोदी यांनी संपूर्ण देशाला आवाहन केलं आहे की या देशामध्ये तुमच्या गावामध्ये तुमच्या राहत्या आजूबाजूला ज्या ज्या ठिकाणी मंदिरं असतील ती मंदिरं आपण स्वच्छ केली पाहिजे। त्या अनुषंगानं आज आम्ही भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर आमचे सगळे पदाधिकारी आहे या ठिकाणी आम्ही अंबादेवीचं मंदिरापासून
साफ करण्याची सुरुवात केली आहे। आता मी प्रत्येक प्रभागामध्ये वार्डामध्ये सगळी मंदिरे साफ करू असा आम्हाला जो नरेंद्र भाई मोदींचा जो आदेश मिळाला त्यानुसार आम्ही हे काम करतो आहे। आणि हे आज हिंदू संस्कृती या अनुषंगाने हे फार महत्त्वाचं काम या ठिकाणी घडते आहे। तर आज आपण पाहतो आहे की 22 तारखेला आज जेव्हा प्राण प्रतिष्ठा होईल त्यानंतर आपल्याला देशामध्ये फार मोठं एक वातावरण बदलल्याचं दिसेल। कल्याणनगर में चल रही रामकथा में सोमवार की शाम भाजपा नेता व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल सहित कई गणमान्यों ने भेंट दी और कथा प्रवक्ता आनंद महाराज से आशीष ग्रहण किए। सकल हिंदू समाज द्वारा अमरावती से 500 किलो कुमकुम अयोध्या भेजने के संकल्प के अंतर्गत आज सुबह राजकमल चौक पर कलश स्थापित किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने रामलला के ललाट पर सजाने हेतु बड़ी आस्था के साथ गुणवत्तापूर्ण कुमकुम अर्पित किया। यहाँ पर कल 17 जनवरी की शाम 5 बजे तक श्रद्धालुओं द्वारा कुमकुम अर्पित किया जा सकेगा। पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से संत संतोष महाराज ने आज यहाँ एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि भगवान श्री राम को भोजन पश्चात इलायची का सेवन पसंद है, अतः वे अयोध्या जाते समय अपने साथ इलायची की भेंट लेकर जाएंगे जिसे रामलला को अर्पित किया जाएगा। अभी हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन के पदाधिकारियों के बीच में ये चर्चा चली कि कई हमारे क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जिनका भाव है लेकिन व्यवस्था के कारण वो 22 तारीख को वहां नहीं जा पाते, तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि हर कोई अपने घर से एक एक इलायची लाए, जिसके लिए टाइम फिक्स किया गया है 18 जनवरी को गुरुवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक यहीं पूज्य शिवधारा आश्रम सिंधु नगर अमरावती में कि हर कोई अपनी एक इलायची लाए, यहाँ राम जी के श्री चरणों में अर्पित करे। मैं खुद जाके यहाँ से अयोध्या जाऊंगा, वहाँ राम जी के श्री चरणों में वहाँ की जैसी व्यवस्था होगी राम जी के चरणों में वहाँ अर्पित करूंगा। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने जा रहे राम मंदिर लोकार्पण व प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास की ओर से कौंडण्यपुर स्थित रुक्मिणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश और जगतगुरु रामराजेश्वराचार्य मौली सरकार को भी प्राप्त हुआ। इस पर हर्ष जताते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मौली सरकार को एक पत्र भेजकर उन्हें बधाई दी, साथ ही इस निमंत्रण को मौली सरकार के सेवा कार्यों व पुण्य कर्मों का फल बताया। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में 550 साल बाद ऐतिहासिक रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अतः इस निमित्त पूरे महाराष्ट्र में सरकारी अवकाश घोषित किए जाने की मांग कार सेवकों के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश सौरभ कटियार के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजे गए ज्ञापन में की है।